हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल क्वेरी सॉल्वर। आई एम योर एजुकेटर सुरेंद्र सिंह एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू नरेशन। स्टूडेंट, आज की जो हम क्लास लेने वाले हैं वो हम आज स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास में नरेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। स्टूडेंट, ये आज जो हम बात करेंगे नरेशन के बारे में, इसमें हम आपके केवल बेसिक जो टर्म्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को फुल वॉच करना ना भूलें आप। तो नरेशन मीन्स होता है स्टूडेंट कोई भी स्टेटमेंट, मतलब टू से, मतलब कुछ हम जो कहते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, आपकी एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है और आपकी एक डायरेक्ट स्पीच होती है स्टूडेंट्स। तो डायरेक्ट स्पीच होती है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि जो ऑडियंस होता है और एक स्पीकर होता है स्टूडेंट, मतलब इसमें दो चीज़ होती है। एक तो स्पीकर भाई जो बोल रहा हो वो होगा, ऑडियंस क्या होता है स्टूडेंट जो सुन रहा हो, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपका स्पीकर हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप मेरे ऑडियंस हो। तो जो स्पीकर होता है ना स्टूडेंट, उसकी बातों को, ठीक है, ऑडियंस क्या है, स्पीकर की बात को जैसे कि तैसे बोल देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। और सबसे अच्छी बात आपको याद रखना है डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, तो बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी आपकी डायरेक्ट स्पीच होती है ना स्टूडेंट, जो स्पीकर स्टेटमेंट देता है, ठीक है, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको, तो जो मेरा स्टेटमेंट है वो स्टूडेंट क्या है आपके, मेरा वो इन्वर्टेड कॉमा की साइन होता है, ठीक है। तो जो मेरा स्टेटमेंट है वो अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर रखा जाता है तो वो वहाँ पर स्टूडेंट आपका डायरेक्ट स्पीच होता है आपका। जैसे मैंने यहाँ आपके दो एग्जाम्पल लिए हैं, ए और बी, इनमें हम समझेंगे। इसने बोला है अनु सेट, अनु ने कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम बिजी इन्वर्टेड कॉमा बन यानी फुल स्टॉप और आपका इन्वर्टेड कॉमा बन। तो यहाँ आपने क्या देखा कि अनु सेट, अनु कहती है कि आई एम बिजी, कि मैं बिजी हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये आपका क्या स्टूडेंट, ये आपका स्पीकर है और स्पीकर ने बोला कि मैं बिजी हूँ, उसका जो स्टेटमेंट था जैसा का तैसे आपने किस में रख दिया है इन्वर्टेड कॉमा लगा करके अंदर। तो ये आपका स्टूडेंट क्या आपका डायरेक्ट स्पीच है। सेकेंड एग्जाम्पल में बोला है उसने बीना सेट टू मी, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लव यू वेरी मच फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपका वन, ठीक है। तो यहाँ बीना ने कहा मुझसे कि आई लव यू वेरी मच, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, ठीक है। तो ये आपने स्टेटमेंट देखा, ये जो स्टूडेंट आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट है वो आपका डायरेक्ट स्पीच है आपका। अब हम बात करें अगर इन्वर्टेड आपकी इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है स्टूडेंट, जो ऑडियंस है यानी मेरी जो कही बातों को आप सुन रहे हो, आप उन बातों को अपनी लैंग्वेज में यानी अपने बाकी में उस स्टेटमेंट को अपने शब्दों या अपनी भाषा में अगर आप उसको व्यक्त करते तो वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है। यानी स्पीकर की जो स्टेटमेंट है उसको जो ऑडियंस है वो अपने शब्दों में कहते हैं, वहाँ पर आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है। और इसमें स्टूडेंट सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आपका होगा वो आपका इन्वर्टेड कॉमा से आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में हम आपका इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं और आपका हम जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है स्टूडेंट उसमें हम आपके इनवर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ बताया गया अनु सेड दैट सी वाज बिजी, तो अब मैंने यहाँ बोला था अनु ने कहा था कि वो बिजी है, अनु ने क्या बोला था, अनु सेड दैट आई एम बिजी, ठीक है, कॉमेंट पर कॉमेंट बंद था उसका स्टेटमेंट। अब आपने उसका स्टेटमेंट सुना, अनु का हमने स्टेटमेंट सुना, तो अनु ने उन्हें बोला यहाँ पर अनु सेड दैट, अनु कहती है कि सी वाज बिजी, कि वो बिजी थी। तो जो स्पीकर है उसके स्टेटमेंट को, उसके कथन को हमने इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया और कंजक्शन हमने दैट ला के अपने शब्दों में यहाँ पर इसको बना दिया। तो ये आपका स्टूडेंट है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। सेकंड में बोला है बीना टोल्ड मी दैट, तो यहाँ उसने बोला, बीना ने कहा उससे दैट कि वह सी लव मी वेरी मच, कि वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। तो ये थे आपके स्टूडेंट डायरेक्ट स्पीच और आपके इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के स्टूडेंट दो वार्ड होते हैं आपके, फर्स्ट होता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच और सेकंड होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। अगर हम बात करें आपके रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, जो डायरेक्ट स्पीच होती है ना स्टूडेंट, वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के क्या रहता है, जो बाहर रहता है भाग, उसको बोला जाता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। जो रिपोर्टिंग स्पीच में यूज वर्ब को ही हम आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम रिपोर्टिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ राम है तो राम मैंने बोला इसको रिपोर्टर बोला जाता है, यानी सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं आपका स्टूडेंट, इसको बोला जाता है रिपोर्टर, ठीक है। इस वर्ब को बोलते हैं आपका वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग, इसको हम आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और ये जो स्टूडेंट ये जो पूरा पार्ट है इसको बोला जाता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा की क्या है वो अंदर जो भाग रहता है ना उसको बोला जाता है आपका
reported speech, reported reported speech, ठीक। उसी का मैंने यहाँ ब्रीफ आपको समझा दिया कि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच का विभाग हो जाता है जो इन्वर्टेड कॉमा के क्या स्टूडेंट जो भीतर रहता है। तो यहाँ आपने देखा एग्जांपल में बताया गया कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई राइट ए लेटर फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपका क्लोज, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट, ये तो आपका है रिपोर्टर है, ये आपकी रिपोर्टिंग आपकी वर्ब है, और ये वाला अगर हम पूरे पार्ट को बोलें तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट बोला जाता है जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रहता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर रहता है स्टूडेंट उस पार्ट को बोला जाता है आपका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। और ये जो आपकी स्टूडेंट, ये जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच में जो आपका रिपोर्टेड स्पीच जो वाला जो भाग है स्टूडेंट, वो शुरू में हो सकता है और आपका लास्ट में हो सकता है। जैसे यहाँ शुरू में दिया गया और यहाँ पर आपका लास्ट में दिया गया स्टूडेंट। तो ये तो थी आपकी बेसिक टर्म, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, आपका रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट जब हम आगे अगर इस क्लास में पढ़ते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है आपको सेंटेंस की ज़रूरत, ठीक है। अगर आप पे सेंटेंस आते हैं, सेंटेंस अगर आप पहचान लेते हो तो आके आप इनको भी चेंज कर सकते हो। तो हम बात करेंगे अब आपके अबाउट सेंटेंस के। अगर हम यहाँ पर बात करें स्टूडेंट, तो देयर आर फाइव टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो जो सेंटेंस यानी जो वाक्य होता है स्टूडेंट आपका, पांच प्रकार का हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट होता है वो होता है आपका एसर्टिव सेंटेंस, या जिसको हम बोले आपका डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। इसको बोला जाता है कथनात्मक, स्वीकारात्मक या अस्वीकारात्मक, ठीक। सेकंड होता है वो होता है स्टूडेंट आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें काम क्या होता है, आपका क्वेश्चन के बारे में पूछा जाएगा, तो इसको बोला जाता है आपके हिंदी में प्रश्नबोधक वाक्य। थर्ड होता है स्टूडेंट आपका इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें कमांड के बारे में बात की जाती है और इसको बोला जाता है आपका आगे सूचक वाक्य। फोर्थ नंबर पे आता है स्टूडेंट आपका ऑपरेटिव सेंटेंस, इसको बोला जाता है आपका इच्छाबोधक वाक्य। और फाइव को होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको बोला जाता है आपका विस्मयबोधक वाक्य। इनके बारे में स्टूडेंट हम बात करेंगे अब। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं आपके एसर्टिव सेंटेंस, यानी जो सकारात्मक या आपका नकारात्मक या कथनात्मक जो वाक्य होता है उसके बारे में। तो इसकी आपकी डेफिनेशन दी गई स्टूडेंट, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस यस और नो इट टेक फुल स्टॉप, ठीक है। सेंटेंस यानी वह वाक्य जो जिसमें अगर हम उसका हिंदी में इंट्रोडक्शन अगर उसका अर्थ करते हैं तो उससे हमें हाँ या ना का अगर जवाब मिलता है स्टूडेंट, तो वो होता है आपका एसर्टिव सेंटेंस, और इसके लास्ट में हम आपके फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। तो ये थी आपकी डेफिनेशन आपकी एसर्टिव सेंटेंस की स्टूडेंट। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। जैसे यहाँ बोला ही इज ए स्टूडेंट कि वो एक छात्र है, सी वॉज नॉट ए टीचर कि वो एक अध्यापिका नहीं है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आपने यस और नो का, जिसमें आप देख रहे हो कि हाँ ही इज ए स्टूडेंट, क्या मतलब क्वेश्चन नहीं करा इसमें, बोला इसने कि ही इज ए स्टूडेंट वो छात्र है, आंसर आया आपका यस, ठीक है। और उसने बोला सी वॉज नॉट टीचर कि वो टीचर नहीं है, तो यहाँ आपका नो का सेंस आ रहा है। अगर हम बात करें एफर्मेशन और नेगेटिव, ठीक है, इसमें हमने इसका जैसे नेगेटिव जो होता है उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते थे, और जो आपका स्वीकारात्मक होगा जिसमें यस का सेंस आता है उसको अपने, जैसे द सेंटेंस विच एक्सप्रेस सेस यस, ठीक है, जिसमें अगर वाक्य में हमें अगर यस का इन्फॉर्मेशन मिलता है कि यह इस वाक्य का जो मतलब उच्चारण आ रहा है वो हाँ या ना में जवाब मिल रहा है, ठीक है। और नेगेटिव में आपका ना का मिलेगा, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस नो सेंस, ठीक है। जैसे बोला है यू आर ए गुड स्टूडेंट कि तुम एक अच्छे छात्र हो, ठीक है, तो आपने जवाब दिया कि हाँ मैं एक अच्छे छात्र हूँ, तो यहाँ से हाँ का सेंस आ रहा आपका, यानी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है। नेगेटिव में बोला उसने सी इज नॉट ए गुड गर्ल कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है, या वो एक लड़की अच्छी छात्र नहीं है, इस तरीके से आप बता रहे हो। तो यहाँ आपने देखा स्टूडेंट यहाँ पर हमने नेगेटिव यूज़ किया, तो यहाँ पर ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये आपके अफर्मेशन में दो टाइप के आते हैं आपका, एक अफर्मेशन और आपका एक नेगेटिव, यानी अगर इसमें यस और नो का हमको आंसर मिलता है। सेकेंड आता है स्टूडेंट आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नबोधक जो वाक्य होते हैं, द सेंटेंस विच इज यूज टू आस्क ए क्वेश्चन, ठीक है, कि वह वाक्य जिसमें हम क्या करते हैं इसका यूज किया जाता है क्वेश्चन आंसर करने के लिए, इसमें हम प्रश्न पूछते हैं, इट कॉल्ड इंट्रोगेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं आपका प्रश्न सूचक बोलते हैं। इट टेक इंट्रोगेटिव मार्क, यानी इसके लास्ट में हम स्टूडेंट, जैसे अभी मैंने आपका असर्टिव कराया था उसमें फुल स्टॉप लेता है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है तो ये आपका लास्ट में क्या लेता है प्रश्न सूचक, एक वाक्य मतलब जो मार्क्स होता है जिसको हम बोले चिन्ह होता है, ठीक है, या टैग बोलते हैं इसको, तो उसका इसमें यूज़ किया जाता है। और इसमें भी स्टूडेंट आपका यस और नो दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है,
और सेकंड एक अलग टाइप होता है, उसको बोलते हैं WH फैमिली, जिसमें हम आपका जो प्रश्न पूछते हैं जैसे हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हुम, तो ये कुछ वाक्य होते हैं उनको हम WH फैमिली बोलते हैं। ठीक है, इसमें यस नो वाले सेंस आता है, जैसे आर यू गुड, क्या तुम ठीक हो, ठीक है, तो आपने जवाब दोगे यस, यस आई एम गुड। ठीक है, अगर आप ठीक नहीं है तो बोलेंगे नो आई एम नॉट गुड। ठीक है, डू यू रीड नॉवल, क्या तुम नॉवल पढ़ते हो, पढ़ लेते हो, ठीक है, तो बोलोगे यस आई रीड, अगर नहीं आता है तो आप बोलोगे नो आई कांट रीड। ठीक है, और सी एच जान बताया हाउ आर यू, तो इसमें क्या है WH फैमिली से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कैसे, कस का, कौन का, कब, तो इसमें बोला है हाउ आर यू, तुम कैसे हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इसमें क्या है, इसमें यस और नो का कोई भी सेंस नहीं आ रहा है, इसमें पूछा है हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो इसमें क्या है स्टूडेंट, आपको बाकी का आंसर देना ही पड़ता है और एक ब्रीफ देना पड़ता है कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो। ठीक है, तो आप बोलोगे मैं ठीक हूँ। ठीक है, जस्ट नेक्स्ट आपका व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये क्या है WH फैमिली है, इसमें आपका यस और नो का सेंस नहीं आता है। ठीक है, और जिसमें यस नो का सेंस आता है उसमें आप WH फैमिली का यूज नहीं करते हैं। या हम कहें ये जो यस नो वाले होते हैं उनमें क्या होता है, हम ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, जैसे एज आ रहे हैं, वॉज, वर है, हैज, हैव, हैड, ठीक है, उनका यूज़ करके क्वेश्चन पुट अप करते हैं। और WH फैमिली में हम जो WH फैमिली के जो क्वेश्चन आंसर करने के काम आते हैं, जैसे हाउ, व्हाट, व्हेन, विच, इनका यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें बोला गया है द सेंटेंस विच एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, ईटीसी एंड सब्जेक्ट यू विल। ठीक है, यानी बाकी का बहुत प्रकार, इसमें क्या है, इससे हमें पता चलता है, इससे हमें मतलब महसूस होता है कि जिसमें क्या है ऑर्डर, ऑर्डर दिया जा रहा होगा, सलाह दी जा रही हो, या कोई भी आपसे रिक्वेस्ट की जा रही हो, या आपको कमांड दी जा रही हो कि भाई ये काम इस तरीके से कर लो। ठीक है, और इसमें जो आपका जो सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट, वो होता है आपका यू, ये क्या है आपका हाइड रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ बोला है, इसका भी स्टूडेंट दो सेंस होते हैं, अफर्मेटिव मतलब आता है आपका, एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स में आता है, और एक आपका नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस आता है। पॉजिटिव वाले की एग्जाम्पल जैसे सिट डाउन, अब मैंने आपसे बोला है कि इसमें यू आपका हाइड रहता है, मतलब यू क्या आपका सब्जेक्ट हाइड है, तो मैं यही तो बोलूँगा भाई यू सिट डाउन, तो यहाँ यू आप अपने आप समझ सकते हो, सिट डाउन किसके बारे में, हमसे बोला जा रहा है सिट डाउन, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी का ग्लास लाओ, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। ठीक है, कीप क्वाइट, शांत रहो, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो, वॉक इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में घूमो, टेक मेडिसिन इन टाइम, मेडिसिन को क्या है टाइम। तो आपने देखा कहीं ना कहीं इसमें हम ऑर्डर दे रहे हैं, या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या किसी को कमांड दे रहे हैं, तो ये अफर्मेटिव सेंस मतलब सेंस में यूज़ किया गया, ये नेगेटिव सेंस में स्टूडेंट आपका, यानी नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, डोंट सिट डाउन, बैठो मत। ठीक है, डोंट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए गानी ग्लास लाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। डोंट हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद मत करो। तो यहाँ आपने देखा कहीं कमांड दे रहा है, कहीं रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझा कि किस तरीके से आपका इंपरेटिव का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका ऑप्टेटिव, अब क्या सोचते हैं इसको बोलते हैं द सेंटेंस विच एक्सप्रेस विच शॉर्टेज ऐप। ठीक है, बाकी अभव प्रकार जिसमें हमें क्या है इच्छा या कोई भी भावना होती है उसको जो क्या है हमें एक्सप्रेस करता है। ठीक है, उसमें बताता इसमें क्या होता है स्टूडेंट, यू इट विल स्टार्ट बाई में, ये जो वाक्य होते हैं स्टूडेंट ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होता है ये आपका मे से स्टार्ट होता है, अगर नहीं है तो आप भी तब भी आप मे को अंडरस्टैंड कर लोगे कि हाँ मे से ही स्टार्ट है। ठीक, तो इसमें बोला है मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मैं कामना करता हूँ कि तुम क्या हो एक लंबी आयु प्राप्त करो। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे तुम्हें, भगवान का तुम पर आशीर्वाद बना रहे, मे गुड सेव द किंग, भगवान करे कि राजा को लंबी उम्र करे या राजा की रक्षा करे। तो यहाँ क्या है हम एक डिजायर कर रहे हैं, हमारी कामना कर रहे हैं भाई ऐसा हो कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम मतलब ज़्यादा उम्र जियो। ठीक है, भगवान तुम्हारे साथ अच्छा करे। ठीक है, यू विल मे यू विल बी सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन, भगवान करे तुम अपने एग्जाम में पास हो जाओ। तो यहाँ आप क्या समझ रहे हो कि स्टूडेंट इसमें या तो विश की गई या कोई भी आपकी कामना की गई। ठीक है, लास्ट जो वाक्य का जो सेंटेंस का टाइप होता है वो होता है आपका स्टूडेंट एक्समेट्री सेंटेंस, यानी विश में बोधक। तो इसमें बताया जाता है कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ माइंड। ठीक है, यानी कि इसमें पता चलता है कि जो हमारे जो माइंड होता है, हमारा जो मन होता है, उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, अचानक विचार आता है। ठीक है, तो उसके बारे में बताता है, जैसे जॉय, कोई भी खुशी हो, सोरोमिस दुख होता है, सरप्राइज, कोई भी आश्चर्यचकित वाली कोई बात हो, सस्पेंस हो, हेट हो, किसी नफरत कर रहे हैं, अप्लाइज हो, या आपका कोई भी चिकित मतलब कोई भी हम आश्चर्य कर रहे होते हैं, वंडर होते हैं। इस तरीके से क्या है, ये एक्सप्रेशन होते हैं हमारे मन में उठने वाले जो विचार होते हैं, अचानक जो फीलिंग्स आती हैं उनके बारे में। ठीक है, जैसे बताया गया यहाँ पे, और इसके साथ स्टूडेंट इट
कि टेक एक्सप्लेनेटरी मार्क, ये एक आपका साइन होता है और इसका ये इसको यूज़ किया जाता है, इसके लास्ट में कर भी सकते हैं और आप कहो तो ना करें, ठीक है, ये कोई कंपलसरी नहीं है पर अधिकतर किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ बताया गया है कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अल्लास आई एम ड्यून फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसने बोला ही सेड अल्लाह ओ माई गॉड आई एम ड्यून मैं बर्बाद हो गया, तो उसके बाद आपने कहा अल्लास, तो अल्लास क्या ये नेगेटिव, मतलब कोई भी जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो तब वहाँ इस अल्लास का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। हम वी एग्जाम्पल में बताया गया द प्लेयर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रे वी वॉन मैच फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसने बोला ओ इसमें तो खुशी हो रही है ना स्टूडेंट, द प्लेयर सेड खिलाड़ी ने कहा ओ हुर्रे मतलब मैं बहुत खुशी है कि हम वन द मैच, हम मैच को जीत गए, ठीक है। सी में बताया गया है कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए नाइस फिल्म इट इज और एक्सक्लेमेटरी साइन, उसके बाद आपका इन्वर्टेड कॉमा वन स्टूडेंट, जिसमें बता रहा है उसने कहा कि व्हाट ए नाइस क्या अच्छी फिल्म थी, इट इज क्या ये अच्छी फिल्म थी, तो यहाँ आपने देखा कि वो क्या है आश्चर्य कर रहा है, वंडर कर रहा है कि भाई कितनी अच्छी फिल्म थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए हॉरिबल सॉन्ग और आपका एक्सक्लेमेटरी साइन, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा वन, ठीक है। तो इसमें बताया गया उसने कहा व्हाट ए हॉरिबल, इसने क्या स्टूडेंट बहुत ही मतलब क्या कर रहा है, सरप्राइज कर रहा है या हम पे वंडर कर रहा है उसको, वो भाई कैसी इतनी खतरनाक मूवी थी या कितना खतरनाक आपका गाना था। तो इस तरीके से ये थे आपके स्टूडेंट आपके जनरल जनरल सेंटेंस के बारे में बताया कि सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, उनके हमें क्या क्या पता चलता है। अगर आप इनको इस तरह समझ जाओगे तो स्टूडेंट आगे जब भी हम जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट जनरल जनरल रूल्स क्या होते हैं, वह रूल्स जो इट अलाउ ऑन ऑल सेंटेंस, यानी कुछ ऐसे जो रूल्स होंगे स्टूडेंट जो मैंने आपको जो फाइव अभी आपको जस्ट फाइव टाइप जो बताए सेंटेंस के उन सब पे वो क्या आपके अलाउ होंगे, ठीक है। जैसे हम बात करें चेंज ऑफ द पर्सन, पर्सन को चेंज करना, चेंज ऑफ द टेंस, टेंस को बदलाव करना, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो ये जो बात करेंगे जनरल रूल्स के बारे में स्टूडेंट वो बात करेंगे हम आपकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पर्सन को मैं किस तरीके से चेंज करना होता है, टेंस को कौन सा टेंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कोई भी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जैसे कि टाइम एक्सप्रेशन वर्ड होते हैं, दैट का, द प्रीवियस का, लास्ट, नेक्स्ट, इस तरीके से चेंज होंगे, वो हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.